एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुमने ये व्रत क्यों रखा मिस प्रिया शर्मा? क्या? अगर तुम प्रिया शर्मा हो तो फिर ये करवा चौथ का व्रत क्यों? ये प्रिया शर्मा क्यों कह रहे हैं मुझे? क्योंकि बुक स्टोर में मैंने आपका नाम पढ़ा, रजत कपूर एंड प्रिया शर्मा एंटरप्राइज। तो अगर आप प्रिया शर्मा हैं, तो फिर ये व्रत क्यों? वो बुक शॉप पे मिस्टर कपूर गलती से लिख गलती से किसी का नाम गलती से कोई बदल सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपनी मर्जी से अपना नाम वापस प्रिया शर्मा कर लिया, मैं क्यों करूंगी ऐसा मिस्टर कपूर? और अगर मैंने ऐसा किया भी तो मुझे ऐसा करने के लिए आपने फोर्स किया। आपने तो मुझे अपनी लाइफ से ही ड्रॉप कर दिया मिस्टर कपूर। तो मैं अपने नाम के आगे शर्मा लिखूं, कपूर लिखूं या सिर्फ प्रिया लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें फोर्स किया, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से ड्रॉप कर दिया। What is wrong with you? तुमने मुझे अपनी जिंदगी से ड्रॉप कर दिया 5 सालों तक। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी डिसीजन की वजह से हुआ है। तुमने मुझे 5 सालों तक अपनी लाइफ से ड्रॉप कर दिया और आज भी तुम ड्रॉप कर रही हो। मेरी बीवी होने के बावजूद अपना नाम प्रिया शर्मा कर रही हो तुम। कौन सी बीवी मिस्टर कपूर? आपने तो मुझे अपनी बीवी कहलाने का हक कब का छीन लिया मुझसे? आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर कपूर कि अब आपकी बीवी मैं नहीं हूँ, आयशा है। ओह कम ऑन प्रिया, कट दैट आउट। व्हाई शुड आई मिस्टर कपूर? हर बार आप मुझे सच बोलने से रोक क्यों देते हैं? कितनी बार मैंने आपसे बात करनी चाहिए, आपको बताना चाहा, लेकिन आप मेरी बात कभी कोई सुनते क्यों नहीं है? क्यों सुनूं मैं? क्यों सुनूं मैं? और जो भी तुम्हें कहना है उस बात का यकीन क्यों करूं? You think you have any credibility left? आज मैं बात सुन लूंगा, 5 साल बाद तुम फिर से चली जाओगी, उसके 5 साल बाद तुम फिर से वापस आ जाओगी और फिर से कहोगी मेरी बात सुन लीजिए। You think it was easy for me? You think it's going to be easy for me to accept you back? और आपको क्या लगता है मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान है? ये 5 साल मेरे लिए आसान नहीं थे मिस्टर कपूर। मैं जानती हूँ मैंने कैसे काटे हैं वो 5 साल। और क्यों नहीं सुनेंगे आप? सुनना पड़ेगा आपको। अगर ये सब कुछ मैंने किया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। I just wanted you to move on. You actually thought that I could move on? तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम्हारे बगैर मैं आगे बढ़ सकूंगा? मुझे ऐसे लगा था मिस्टर कपूर। तुम्हें गलत लगा था, तुमने जो भी सोचा गलत सोचा। हो सकता है मिस्टर कपूर कि मैंने जो भी सोचा गलत सोचा, लेकिन सच ये है कि शादी दोबारा मैंने नहीं आपने की है। Oh, come on, यार, Priya, what is wrong with you? तुम्हें लगता है कि अगर वो तुम्हारी बहन नहीं होती मैं उससे शादी करता? तुम्हारी वजह से मैंने उससे शादी की, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए। जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ और सिर्फ बाहर के किया। मिस्टर कपूर, और मैंने भी जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। सवाल का जवाब नहीं दिया था, तुमने ये व्रत क्यों रखा? मैंने ये व्रत उसी वजह से रखा है मिस्टर कपूर, जिस वजह से आप यहां मेरा व्रत तोड़ने आए।
पापा आज आप हमारे साथ ही रहना। नहीं नहीं सुन सुनो सुनो मेरी बात सुनो रॉकस्टार, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं अभी आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा और फिर आपको घर भी छोड़ूंगा और कल सुबह आपको स्कूल ड्रॉप करने आ जाऊंगा। पीहू, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, और वैसे भी रात को तो आप सो जाओगे ना, तो पापा रुक के क्या करेंगे? करेक्ट, पापा कल सुबह आ जाएंगे। ओके बेबी। नहीं आप प्लीज रुको, मम्मा समझाओ ना पापा को। ओके ओके लिसन लिसन, मैं पापा को बोलती हूँ। क्या? आप खाना खा लीजिए, तब तक नेहा वापस आ जाएगी और पीहू सो जाएगी ना। हाँ हाँ अब डॉक्टर ठीक है, मैं आपके साथ घर आता हूँ। ओके नेहा, नेहा। हाँ बाबा। अच्छी लग रही है। थैंक यू। कुछ अलग किया तुमने क्या? हाँ मैंने साड़ी पहनी है। नहीं साड़ी नहीं, कुछ हेयर आ गया बालों के साथ किया तुमने? हाँ वो मैंने आज अपने बाल कलर किए। पार्लर जाने का टाइम मिल गया तुम्हें? ना बाबा, कैरी आई थी, उसने रेकमेंड किया कि मैं कानिया कलर नेशनल यूज करूं। मेरे पास डब्बा था ना, ट्राइड इट, बट नया। एक्सक्यूज मी, यू ये चीजें खुद थोड़ी करते हैं यार, कुछ बाल खराब हो जाए तुम्हारे तो। नहीं बाबा ये नेचुरल है कलर है, एंड यू नो व्हाट, रूट टू टिप ऐसे हो गया कलर, वेरी इजी। ठीक लग रहा है ना? हम्म। अच्छा तुम क्यों बुला रहे थे? वो कुछ कुछ खास। क्या लायो? नहीं कुछ नहीं, रहने दो। तो हर साल की तरह तुम्हारे लिए गजरे लाया था तुम, बट ऐसे ही अच्छी लगती है। तुम गजरे लाओ तो मैं जरूर यूज करूंगी। गिव इट टू मी। ओ मैं चेंज कर दिया। नहीं अच्छे लग रहे, ऐसे रहो। बारी पहले मेरा भी प्रॉपर फास्ट है, पूरा दिन भुगा रहा हूं भाई। लुक कम ऑन। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वैसे हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है, तो अच्छी सी जगह डिनर पे चलते हैं। रेस्टोरेंट तुम लोग डिसाइड करो, व्हाटएवर यू डिसाइड। नहीं हमें बाहर नहीं जाना, यू नो हम बाहर का खाना खा के पक गए। वैसे भी डैड मॉम ने ऑलरेडी खाना बना दिया है। मम्मी ने? हमने उन्हें पहले ही बोल दिया था, तो आज हम घर का खाना खाएंगे। दोपहर को उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ का खाना खाना, इसलिए बना दिया। चलो फिर खाना खाते हैं। एक सेकंड, पहले मम्मा आप हमें प्रॉमिस करो कि आज रात आप हमारे साथ ही रहोगे। ना बेटा, आई कांट स्टे द नाइट, प्रिया आंटी वेट कर रही है ना। बेटा अब
कहो ना इनसे। रुक जाओ। ओके प्रॉमिस। अब खाना खाएं? आओ। चल, आई टेक दिस। लो मामा को दो। वाह मामा, आज पापा हमारे साथ रहने वाले। हाँ बेबी, लेकिन पहले जाके आप कपड़े चेंज करो, मामा खाना लगाती है, उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके ओके। आइए ना, एक मिनट। हाँ नेहा, हाँ हो गई पूजा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं एक्चुअली अभी भी यहीं हूँ। यू नो व्हाट, आज रात को मैं यहीं रुकने वाली हूँ। नहीं आ पाओगी मतलब? अरे ऐसे कैसे नहीं आओगे, यहाँ तो बच्चे ना जिद कर रहे थे कि मॉम प्लीज आज रात को यहाँ रुक जाओ, एंड मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी इसलिए रुक रही हूँ। हाँ ओके, मतलब आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। पर ये सब छोड़ो ना, बताओ फैटी आया? हाँ आए हैं ना। हाँ यहीं पे हैं अभी तक। रियली? तो फिर मैं फोन रखती हूँ। अरे वो बच्चे इंसिस्ट करने लगे तो नेहा आज रात को वहीं रुक जाएगी। तो फिर अभी यार, this was not part of the plan यार। अभी मैं यहाँ पर कैसे सोऊंगा यार? यहाँ पर मैं जानता हूँ कि अभी तक तुमने एसी भी नहीं लगाया होगा, अभी इतनी गर्मी में मैं कैसे सो पाऊंगा? और वो तुम्हारे तकिए, मेरे को याद है पिछली बार कितनी दर्द हुई थी मुझे, ऐसे तकियों के साथ तो तुम्हें बाम बाम देनी चाहिए साथ में। अरे अरे एक मिनट, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मम्मा पापा आप अभी तक यहीं हो? हाँ हाँ पीहू, आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? अब देखो मामा को बहुत भूख लग रही है ना, आप जल्दी से कपड़े चेंज करो, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। ओके गो फास्ट। मामा आप भी चलो। हाँ ओके चलिए। हाँ चल रहे हैं। ओके हेलो, आई होप ऑल इज वेल आयशा। एवरीथिंग वाज वेल, पर अब तुमने फोन कर लिया है तो सब ठीक कैसे हो सकता है बोलो। अरे मैं तो सीरियसली पूछ रही थी, आई मीन सारी फैमिली यहाँ आई थी और तुम नहीं, आई वाज जस्ट वंडरिंग। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने व्रत ही नहीं रखा या फिर किसी ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? व्हाट डू यू मीन इनवाइट नहीं किया? ओह माय गॉड आयशा, तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? तू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। यहाँ हमारे घर में इंटायर कपूर फैमिली हैड कम, हम सब ने साथ मिल के करवा चौथ सेलिब्रेट किया है, एंड ऑफ कोर्स प्रिया ने अपने हाथों से खाना बनाया था, यू नो क्लोज फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई वाज वंडरिंग शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो या हो गई है, सो एनीवे आई गॉट टू गो, बाय आयशा, टेक केयर। क्या हो गया, फोन से बोर हो गई क्या के रंग से? मामा जी इस घर में कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? पूरा कपूर खानदान शर्मा हाउस गया है, मेरे घर पे डिनर करने, करवा चौथ मनाने, और मुझे नहीं पता यहाँ के लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है? जब मैं तुझे कुछ बताता हूँ तो तेरा चिल चिल वाला रिकॉर्ड बजने लगता है। मैं तेरे को कितनी बार बता चुका हूँ कि इस प्रिया नाम के डेंजर को सीरियसली ले, सावधान रहे। तो देखना आज तो राम भी गया होगा प्रिया के घर, आज तो प्रिया ने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा, आज का दिन तो तेरे लिए बड़ा भारी हो गया होगा ना। वो प्रिया नाम की चिड़िया खेत चुग गई राम परोसे, और तू फोन पटकती रह गई राम परोसे। वाह क्या शायरी। हाय, अब अच्छे से हो गए? हाँ, इनफैक्ट राहुल का भी कंप्यूटर मैंने जबरदस्ती बंद करवा दिया, वो भी सोने वाला है। खड़ी क्यों, बैठो ना। हाँ
फोन के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो एक्चुअली आई थिंक वो फॉन्ट्स थोड़े छोटे लग रहे हैं तो थोड़े बड़े कर रहा हूँ, थोड़े से हीजी लग रहे थे। तुम्हें रीडिंग क्लासेस तो नहीं लग गए? तुमने आई साइड लास्ट कब चेक कराई थी? इट शुड बी ड्यू नाउ ना, मैं कल अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। हाँ कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आईज चेक करा ली है, सब ठीक है, परफेक्ट विजन 6x6। अब ये एक्चुअली यहाँ कल मेरे ख्याल गलती से शायद कोई सेटिंग्स चेंज हो गई तो समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस न्यू टेक्नोलॉजी, बट आई विल फिगर इट आउट। तो बस इसलिए थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर रहा था, दैट्स इट, नथिंग टू वरी। खाना अच्छा बना था आज। थैंक्स। यू नो वो बटरस्कॉच आइसक्रीम जो तुमने मंगा दी ना, इट रियली हिट द स्पॉट। आई डोंट नो कितने कितने टाइम बाद मैंने वो खाई है। थैंक्स। इट्स ओके, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आई एम रियली टायर्ड। वो सुबह जल्दी उठी थी ना करवा चौथ की वजह से, और फास्ट था तो गुड नाइट। या मैं भी थक गया हूँ, गुड नाइट। नेहा मैं इट्स ओके, मैं काउच पे सो जाता हूँ, तुम आराम से बेड पे सो। नहीं तुम क्यों काउच पे सोओगे, मैं सोऊंगी ना काउच पे। अरे नहीं यार, आई मीन इट्स ओके, तुम्हारा बेड है, तुम आराम से सो यहाँ पे। अरे काउच का साइज देखो, अपना साइज देखो, हेल्प फिट बेटर, रहने दो तुम। नेहा अरे आई एम फाइन, गुड नाइट, मैं ये वाला ले जा रही हूँ। पीहू, हम सब लोग यहाँ पे सोएंगे तो हैप्पी और टाइगर कहाँ पे सोएंगे? आज के दिन को बाहर सोने दो। नहीं बाहर कैसे सोएंगे? बाहर तो नहीं सो सकते, हैप्पी और टाइगर तो इसी बेड पे सोते हैं ना। और वैसे भी वो एसी कितना ठंडा करता है, मम्मा को कितनी ठंड लगती है, मम्मा यहाँ कैसे सोएगी? एक काम करो, पापा और आप टाइगर और हैप्पी के साथ यहाँ सो जाओ, आप दोनों को गर्मी लगती है ना, पसीना भी बहुत आता है, मम्मा बाहर हॉल में सो जाएगी। मम्मा प्लीज आप यहाँ सो, पापा आप ही इनको समझाओ ना कि हमारे साथ सोए। एक्चुअली रॉकस्टार मम्मा एक्चुअली सही कह रही है। नहीं क्या है ना, आप तो जानते हो कि मम्मा को बहुत सर्दी लगती है एसी में, और हम नहीं चाहते कि मम्मा बीमार हो जाए ना। और फिर वैसे भी देखो ना, तुम हर दिन मामा के साथ सोती हो, तो आज पापा के साथ सोना है ना? है ना? मामा, पर बेड टाइम स्टोरी। ओके नो प्रॉब्लम, पहले मामा आपको बेड टाइम स्टोरी सुना देगी, उसके बाद सो जाएगी। ओके कम आप। एक बार ना एक छोटी सी प्रिंसेस थी, उसका नाम था पीहू। अरे बहुत दिनों बाद एक बार उस प्रिंसेस के पापा घर पे, और सोचो पीहू ने पापा से क्या कहा? पापा आप मेरे घर रहोगे? करेक्ट। तो प्रिंसेस ने कहा पापा आप मेरे घर रहोगे? तो पापा ने कहा कि ओके। फिर प्रिंसेस ने अपनी मम्मा से क्या कहा? कि मम्मा मेरे और पापा के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। क्या कहा? मम्मा हम दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। करे
एक खाना बनाया मम्मा ने और पीहू और उसके पापा की सारी फेवरेट डिशेस बनाई. फिर प्रिंसेस ने बहुत सारा खाना खाया. फिर प्रिंसेस को धीरे धीरे नींद आने लगी. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.